Hello friends, welcome back to our Physics Ultimate Revision Program for JEE Advanced 2019. So this is the third lecture. In the first one we talked about friction, in the second we talked about circular motion, and the third one is this one. The next topic is जो अक्सर मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम. कई लोग तो पढ़ते ही नहीं है, कई लोग छोड़ देते हैं. इन केस आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कई क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व करने के लिए. तो इसीलिए मैं ये वाला एग्जांपल ये लेकर आया हूँ, ये वाला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आज. और भाई इसके अंदर अब क्वेश्चन ये है कि सर सेंटर मास फ्रेम होता क्या है और इसके अंदर क्वेश्चन क्या होते हैं और क्यों सॉल्व करने पड़ते हैं हमें और इस तरीके की चीज़ें. ठीक है, तो पहले आपको मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ. उसके बाद जब आपको थोड़ी थ्योरी मतलब यू विल कंफर्टेबल विद दैट, उसके बाद फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले नॉर्मली और फिर उसके बाद इस चीज़ को यूज़ करते हुए, सो दैट आपको ये बात समझ में आ सके कि ये जो कंसेप्ट है वो इतना यूजफुल क्यों है. ओके, सो भाई देखो क्या होता है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो हम ये कह सकते हैं जैसे मान लो कोई दो बॉडीज़ हैं, एक ये बॉडी है इसका मास है m1, एक और बॉडी है इसका मास है m2, और इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2. तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम हो जाएगी भाई, ठीक है ग्राउंड फ्रेम की बात हो रही तो ग्राउंड फ्रेम में ही काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी सिस्टम हो जाएगा हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं एक और टर्म होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ टोटल मास इनटू वी सी एम स्क्वायर. अब मुझे नहीं पता आपने ये वाला जो टर्म है ये इससे पहले सुना है कि नहीं सुना है, अब वैसे सुना तो होगा ठीक है. और चलो अगर आपने इसको डायरेक्टली ना सुना हो तो शायद आपने कभी ऐसे सुना हो कि कोई अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है, ऑब्वियसली हम लोग उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो जेई मेंस क्लियर कर चुके हैं तो काफ़ी अच्छी नॉलेज तो होगी सही. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होता है या जो पूरी कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, याद आ रहा है? तो यही तो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, बेसिकली ये चीज़ यहाँ से आती है, ये वहाँ से आती है, ऐसा नहीं है कि वो मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ. ठीक है, एनीवेज नहीं भी याद है कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं. अब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम होता है ये चीज़, ठीक है. अब मुझे चाहिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी गिवन है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 से, इसी से गिवन है. अब जैसे ही मैंने ये vc यहां लिखा, अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा पहले सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चलते हैं, इस वाले टर्म को एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं पहले. तो वो क्या हो जाएगा, हाफ एम वन इंटू वी वन माइनस वी सी, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम टू इंटू वी टू माइनस वी सी का होल स्क्वायर. अब मैं रिव्यू की जगह पूरी थ्योरी ही रिवाइज करा रहा हूँ, पूरी थ्योरी ही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत है इसीलिए बता रहा हूँ. ठीक है, और प्लस ये वाला टर्म तो पूरा लिख दिया अपन ने, ये होगी पूरी काइनेटिक एनर्जी दोनों मासेस की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये वाला टर्म अलग से आ जाएगा हाफ टोटल मास इंटू वी सी एम का स्क्वायर. पहली बार बता रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, वंस यू गेट अकस्टम्ड उसके बाद तो क्वेश्चन खटाखट सॉल्व होंगे. खैर एनीवेज, अब इस चीज़ में अब क्या करना है पूरा, तो क्या बताऊँ, देखो सीधी सी बात है, वी सी को उठा के यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर और यहाँ पर डाल दो और वो सब्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वायर खोल दो. ठीक है, भगवान का नाम लो, कर दो, कर डालो ये काम, या फिर आप चाहो तो मेरे पे भरोसा भी कर सकते हो. जब आप ये डालते हो, वैसे आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार करके देख लेना, ठीक है, ज़्यादा देर लगेगी, 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, 24 घंटे का एक दिन होता है, जेई में 20 दिन हैं अभी कम से कम, वैसे तो ज़्यादा ही हैं अभी भी, 20-25 दिन हैं तो अभी आप कर सकते हो, बट स्टिल वी सी उठा के यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ जो इसको सॉल्व करने के बाद आता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, ये पूरा जो टर्म है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाए प्लस, ये वाला तो है ही सही, हाफ
टोटल मास इंटू वी सी एम स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे याद नहीं रखते, कैसे याद रखते हैं, एम वन एम टू अपन एम वन एम टू, ये कहीं पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में कहीं सुना होगा या कहीं फिजिक्स में ही सुना होगा, क्या कहते हैं इसको, इसका हम लोग प्यार से नाम रखते हैं रिड्यूस मास म्यू, और ये कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी, यू रिलेटिव। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई ऑफ किसी भी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सीधी सी बात है, अगर दो मासेस हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें कोलिजन भी इंक्लूड करता हूं ताकि आप आपको कोलिजन और सेंटर मास फ्रेम और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आपको मतलब इसको यूज़ कर पाऊँ, सारी बातों को सब कुछ सब चीज़ें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिवाइज कर पाएँ हम लोग, ताकि जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो वो उसमें भी आसानी रहेगी, हाँ भाई ये वाली बात भी याद करी थी। तो अगर मान लो कि किसी कोई कोलिजन हो रहा है कि यहाँ दो मासेस हैं दोनों का कोलिजन हो रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो ई दे रखी है इस कोलिजन के अंदर, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है तो मुझे बताएं ई की ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता है ना ई। तो अगर मैं कहूं कि भाई दोनों चीजें टकराने वाली थी, अभी टकराई नहीं थी, टकराने वाली थी, तो व्हाट वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज गिवन बाय, इसी एक्सप्रेशन से लिखेंगे हाफ म्यू यू रिलेटिव कितना हुआ, तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी, पास आ रहे थे, टकराने वाले थे, तो ये हो गया वी अप्रोच, यू रिलेटिव अप्रोच हो गया द स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास इंटू वी सी एम स्क्वायर, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे दो बॉडीज है, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, और ये जहाँ जाकर टकराने वाली हैं और एक्सटर्नल और कोई फोर्सेज नहीं है, बस इन दोनों का कोलिजन हो रहा है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ म्यू, और जब वो टकराने के बाद वापस जा रही हैं तो फिर वेलोसिटी ऑफ जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वो हो गई वी ऑफ सेपरेशन का होल स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास इंटू वी सी एम स्क्वायर। द वी सेपरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई इंटू वी अप्रोच, अब वी सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वी अप्रोच, तो इसको मैं क्या लिख दूं, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, वो हो जाएगा, देखो ये वाला टर्म, ओहो हो ये इस वाले टर्म पर ध्यान दो, टोटल जो मास है वो सेम ही रहने वाला है दोनों का, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी सेम रहने वाली है, क्यों, क्योंकि जब कोलिजन हुआ तो जो फोर्सेज थी वो तो इंटरनल थी, एक्सटर्नल फोर्सेस तो एब्सेंट थी, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं थी इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो थी, और एक्सेलरेशन सेंटर मास जीरो थी इसका मतलब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास सेम रह गई, मतलब जब मैंने इन दोनों को घटाया तो ये दोनों तो कट गए, ये वाला टर्म ही कट गया, बचा क्या दिस माइनस दिस। नाउ व्हाट इज वी सेपरेशन, वी सेपरेशन इज ई इंटू वी अप्रोच, तो वो बन गया हाफ म्यू वी अप्रोच को अगर मैं कॉमन निकाल लूं घटाने के बाद, तो ये बन जाएगा आपका वन माइनस ई स्क्वायर और एक माइनस साइन एक्स्ट्रा। ओके, सो दिस इज द लॉस विच अकर्स ड्यूरिंग अ कोलिजन, ये वाली बात आपने सुनी होगी, इस तरीके से भी निकल के आती है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं भाई इलास्टिक कोलिजन है अगर, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और ई की वैल्यू अगर वन हो गई इसका मतलब जो लॉस है वो हो जाएगा जीरो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस बन गया जीरो। इन इलास्टिक कोलिजन है तो ये ई जीरो वन के बीच में होगा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि लॉस है, चेंज इज नेगेटिव, दैट मीन्स सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, और अगर ई की वैल्यू हो गई जीरो एक कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए तो ये हो जाएगा जीरो, और जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है वो हो जाएगा। अब ध्यान देना, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जो ये तो ऑब्जेक्टिव मास होता है, सवाल ये क्यों, क्या सवाल है, इन इलास्टिक कोलिजन, इन एन इलास्टिक कोलिजन डैश एनर्जी इज लॉस्ट, द आंसर इज नो एनर्जी इज लॉस्ट, इन इन इलास्टिक कोलिजन डैश एनर्जी इज लॉस्ट, द आंसर इज सम एनर्जी इज लॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज इन अ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब ई इक्वल टू जीरो वाला कोलिजन, इन अ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन डैश एनर्जी इज लॉस्ट, तो कई बच्चे लिख के आएंगे ऑल एनर्जी इज लॉस्ट, नो, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन का मतलब चिपक गए, टकरा के चिपक गए, तो अगर वो टकरा के चिपक गए तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई जीरो, ठीक है, और उस केस में बेसिकली ये वाला जो टर्म था
वो बाद में गायब हो गया. इनफैक्ट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो गई. मतलब ये वाला टर्म था जो बाद में गायब हो गया. ठीक है, पर ध्यान से देखो ये वाला जो टर्म है ना, इस ये तो पहले भी था और अब भी है. ये टर्म कभी चेंज नहीं होगा. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल है वो क्या है. जो मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल इज हाफ म्यू वी अप्रोच का स्क्वायर. ठीक है, यही वाला टर्म है जो गायब हो सकता है. ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास नहीं है. एक्सेलरेशन सेंटर मास नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है? कांस्टेंट. और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट है, इसका मतलब हाफ कांस्टेंट टोटल मास वो रहने वाला है. सेंटर मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और इसका मतलब ये वाला टर्म तो कहीं नहीं जाने वाला. तो इसका मतलब इन अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर्स. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी लॉस? मैक्सिमम एनर्जी लॉस इज दिस वन हाफ म्यू वी अप्रोच का स्क्वायर. उस केस में ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. ये जीरो होते के साथ ही जो मैक्सिमम लॉस है वो हो जाएगा हाफ म्यू वी अप्रोच का स्क्वायर. अब ये हुई थोड़ी सी थ्योरी. समझने वाली बात ये हो गई भाई. कुल मिला के अब तक याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है? हाफ म्यू. ये वाला टर्म जो है वो ज़्यादा ज़्यादा ये टर्म गायब हो सकता है. ये टर्म तो जैसा है वैसा ही रहेगा. ये इनिशियल है, ये फाइनल है. ठीक है, फाइनल ऊपर लिखा है, इनिशियल नीचे लिखा हुआ है. तो ये चीज़ जैसी थी वैसी रहेगी. बुरे से बुरा ये हो सकता है कि ये गायब हो जाए क्योंकि वी सेपरेशन फाइनली जीरो हो जाए. तो ठीक है, मतलब चीज़ें चिपक गई, अलग ही नहीं हुई, वो हो गया कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन. और उसके से बस ये वाली चीज़ रह जाएगी और ये वाली चीज़ गायब हो जाएगी और ये वाली चीज़ बची रह जाएगी. ठीक है, अच्छा अब अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि भाई जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि भाई एक ऐसे ज़मीन थी और वो ज़मीन के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा था. ब्लॉक का मास था m1 चलो. और वो एक स्प्रिंग से जुड़ा था. एक और ब्लॉक यहाँ पर था, उसका मास था m2. और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो म्यू की वैल्यू थी 0. स्मूथ था, मतलब बेसिकली सारा स्मूथ था. और ये चैन से रखे हुए थे. स्प्रिंग बिल्कुल बढ़िया, उसका स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k था और वो रिलैक्स स्टेट में चैन से बैठी हुई थी. पर जालिम ज़माना, लोगों को मंजूर कहा कि तुम चुपचाप बैठे हुए हो. दोनों मासेस अपने आराम से बैठे हुए हैं, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, कहीं कोई फोर्स नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा था, शांतिपूर्ण वातावरण. लेकिन लोगों को चैन थोड़ी आता है. और इसमें क्या हुआ कि एक भाई साहब आए, एक छोटा बच्चा आया और उसने कस के मारी यहाँ पे लात. और जैसे ही यहाँ पे लात मारी और इसकी अचानक वेलोसिटी हो गई वी नॉट. अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इस दौरान जो स्प्रिंग है उसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ दिस ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी नॉट. दिस ब्लॉक वॉज एट रेस्ट. ठीक है, इनिशियली द स्प्रिंग वॉज रिलैक्स्ड. तो भाई पहला जो तरीका होता है जो नॉर्मली हम करते हैं वो तो ये है कि भाई हमें ये पता है कि जब ये सबसे ज्यादा कंप्रेशन होगा तो उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. आई होप ये वाला तरीका आपको आता होगा कि भाई अगर ये कंप्रेशन मैक्सिमम होना है इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है. और अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है इस बात का मतलब ये हो गया कि भाई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं. एक्सटर्नल फोर्स जब भी एब्सेंट होती है तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, m1 into v0. ये लात पढ़ने के बाद की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, लात पढ़ने के जस्ट बाद से लेके जब तक पूरा कंप्रेशन नहीं हो गया. लेट अस, चलो मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ थोड़ी देर बाद का. तो थोड़ी देर बाद सीन ये नजर आ रहा है कि ये m2 यहाँ पहुँच चुका है. ठीक है, m1 यहाँ पहुँच चुका है और स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल मतलब पिचक गई है बिल्कुल बढ़िया से. और इसकी वेलोसिटी भी इस वक्त v है और इसकी वेलोसिटी भी v ही है. उस ये वो टाइम में जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा. तो अब यहाँ पे दो यहाँ पे बातें करनी पड़ेंगी. एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा. लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो हम लिखेंगे m1 into v0 = इसका तो मोमेंटम जीरो ही था पहले भी, इसका m1 v0 हो गया = राइट वर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ = यहाँ पे कितना आएगा m1v प्लस m2 into v. तो यहाँ से v की वैल्यू आई m1v0 upon m1 plus m2. ठीक है भाई, वेलोसिटी आ गई. पर बात ये थोड़ी थी, बात तो ये थी कि मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है. तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकलेगा फिर वो उसके लिए एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन तो यहाँ पर से स्प्रिंग का आएगा. स्प्रिंग का वर्क डन क्या है? -half k. व्हाट इज द फाइनल डिफॉर्मेशन? लेट्स से बाद में डिफॉर्मेशन एक्स मैक्स हो गया तो एक्स मैक्स स्क्वायर. इनिशियल डिफॉर्मेशन 0 स्क्वायर = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी?
फाइनल कैटेगरी जी इज हाफ एम वन प्लस एम टू, दोनों मासेज एक साथ जा रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी है v, तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम वन वी नॉट स्क्वायर। तो मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी भी सॉल्व करूं तो अभी मुझे कम से कम कुछ नहीं तो दो ढाई मिनट तो ये इक्वेशन लिखने में लग गए। चलो समझा रहा था तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, पर वैसे ही इन जनरल मुझे एक डेढ़ मिनट तो ये इक्वेशन लिखने में लग जाएगा। उसके बाद आफत यह कि ये v इतना सुंदर, उस सुंदर से v को यहाँ पे स्क्वायर के अंदर डालो, बेसिकली तो देखा जाए तो कोई खास बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि x max और v दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो और x max के लिए सॉल्व कर लो। प्रीटी सिंपल, बोर्ड्स के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, पर बोर्ड्स तो हो गए। अब क्या करें? ये इतनी सारी कहानी क्यों गाई थी? ये इतनी सारी कहानी इसलिए गाई थी, देखो भाई समझो, सिंपल सी बात है, ये दोनों चल रहे थे। अब जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, वही तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे जाके स्टोर होएगा, यही बात है ना। मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं कैसे इस कैसे क्वेश्चन को खड़ाक से सॉल्व करते हैं। नाउ मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर, अभी देखा था, ये लिखा है, ये देखो हाफ म्यू इंटू वी अप्रोच स्क्वायर, या ये वाला हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, ये वाला टर्म तो जैसा है वैसा रहेगा ही सही, यही तो गायब हो जाएगा जरा से जरा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए तो, और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो भी रही है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आते आते यहां पे ये वाली कुछ एनर्जी थी जो गायब हो गई। तो हम ये कह सकते हैं भाई कितनी एनर्जी गायब हुई? गायब हुई एनर्जी हाफ, ध्यान से देखना भाई कहीं जल्दी से आंसर आ जाएगा, तो हाफ म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू रिलेटिव, अब इसकी वेलोसिटी तो जीरो थी शुरू में, इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, ये होगी ना इनिशियल एनर्जी, प्लस हाफ टोटल इंटू टोटल मास इंटू वी सी एम स्क्वायर, वो इनिशियल एनर्जी हो गई। फाइनल में तो रिलेटिव वेलोसिटी बची नहीं, तो यही तो है जो एनर्जी लॉस हो गई भाई। अगर मैं इनिशियल देखूं तो इनिशियल में क्या आएगा? इनिशियल के अंदर आएगा हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास इंटू वी सी एम स्क्वायर, और फाइनल में आएगा ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ टोटल मास वही है वी सी एम स्क्वायर वही है, तो ये वाला टर्म तो अभी भी है, यही वाला टर्म तो गायब हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी गायब हुई वही तो पोटेंशियल एनर्जी प्रकट होगी, जो काइनेटिक एनर्जी गायब हुई वही तो पोटेंशियल एनर्जी प्रकट होगी। वो तो इतना समझा रहा हूं इसलिए इतनी देर लग रही है, अदरवाइज ये लाइन ये क्वेश्चन तो देखो कैसे सॉल्व होता है, ये इतना नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल सी बात, देखो कितनी काइनेटिक एनर्जी गायब हुई? हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर, इतनी गायब हुई ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्रकट हुई? हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, बस खड़ाक से इस एक्स मैक्स के लिए सॉल्व करो और ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई मेक श्योर कि जब आपके पास वो जो एक एडवांस वाली शीट आएगी, अब तक आ गई होगी वो, उसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूं, ठीक है। तो हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया और खड़ाक से एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई? एक्स मैक्स की वैल्यू निकल के आ गई म्यू बाय के इंटू का रूट इंटू वी नॉट, ठीक है। अब आपका मन हो, ठीक है, अगर भरोसा ना हो तो यहाँ से v को उठा के यहाँ पे डाल के स्क्वायर खोल के मेहनत करके देख लो क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान रखना म्यू की वैल्यू क्या है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर हम लोग एनर्जी का कभी कभी लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और भी क्वेश्चन होते हैं और, बट वो हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और पहले से आती थी तो रिवाइज हो गई होगी। थैंक यू।